चलिए तो अब द्वारका में डे टू को अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात में द्वारिका के बिल्कुल पास है, जिसका नाम है नागेश्वर। अब जैसे ही एंट्री करेंगे, देखिए आपको बड़ा सा स्टैचू शिव जी का दिख गया है ना, तो बस अब यहीं पे है हमारा नागेश्वर टेम्पल। यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्स है एंड यहाँ पे पार्किंग है। मैं ऑडे गई थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी, सबसे अच्छा पार्ट ये था। तो गाड़ियाँ थी बट इतनी भीड़ नहीं थी, तो बस मैंने यहाँ पे अपनी पार्क कर दी और अब अंदर जा रही हूँ मैं। आप अंदर देख सकते हैं कि बस शिव जी का इतना बड़ा स्टैचू, अच्छी जगह है, यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। एंड बस मुझे तो इनको देख के बहुत अच्छा लगा कि बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ही मैं जाप करती रहूँ। ये सब देख के नो डाउट आप मेस्मराइज्ड हो ही जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो पॉजिटिविटी आप फील करते हैं ना, उसका मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा लगता है इन सब मंदिरों में आके। यहाँ पे बहुत टाइप्स की पूजा भी होती है। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स और आपको दिख रहा है दिया का स्टैंड, यहाँ पे जैसे अब शिवरात्रि आने वाली है तो इन सब पे बहुत ही अच्छे से दिए लगा के पूरा सा जगमग जगमग हो जाता है। बस यहाँ पे देखिए टैटू वाले बैठे हैं, छोटे मोटे खाने पीने वाले बैठे हैं, बट जो दिख रहा है सामने मंदिर, ये है मंदिर। तो अब मंदिर में एंटर कर लिया है। इस तरीके से क्यूज बनी हुई हैं, जब आप मंडे को, शिवरात्रि को या किसी भी फेस्टिवल पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। इसका देखिए पूरा मंदिर का कोर्टयार्ड है, उसका पूरा आंगन है, ये बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। ऑल्दो अगर आप भीड़ में भी आएंगे तो ऐसे लाइनों में चलना है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे जाके देखिए, ये है नीचे जाके हमारे नागेश्वर, नागेश्वर महाराज जी की जय हो। यहाँ पे इस पॉइंट के बाद मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो आपको जितने दिख रहे हैं आप उनके दर्शन कर लीजिए, भगवान आप सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखेंगे। यहाँ पे बहुत टाइप की पूजा होती है, आप अभिषेक भी करवा सकते हैं, आपको जो करवाना करवाइए। ये है 12 ज्योतिर्लिंग। पीछे की तरफ मंदिर की तरफ एक छोटे से रिवर पॉन्ड बोल सकते हैं, पॉन्ड बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर था। थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे आराम से, फिर बस ये पूरी को करके अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। जूते चप्पल का स्टैंड है यहाँ पे, जहाँ पे अपने छोड़े थे हमने, फिर से हम पहन के अब जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा द्वारका का ट्रिप, मैंने काफ़ी मज़े किए, बीच पे भी गए, मंदिर में भी गए, तो ये ओवरऑल पैकेज बड़ा अच्छा था कि जहाँ पे सब कुछ है। देखिए फिर से बस अब मैं यहाँ से निकल पड़ी हूँ अपने कहाँ पे, अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरा ये वाला ट्रिप अब कम्प्लीट हुआ। ऐसे ही आगे और भी ट्रिप्स किए हैं मैंने, अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अहमदाबाद जाते टाइम बीच में ये इस टाइप की रिवर पड़ी थी, बहुत ही सुंदर थी, आप चाहें तो यहाँ पे उतर के पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। तो आगे अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरा कौन सा होगा, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टीट्यूट टू माई चैनल। इस वाले वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और क्या करना है साथ में, लाइक और कमेंट तो ये ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल अच्छे से अच्छा होता जाए, तो सही बात है ना ये। चलिए बाय बाय टाटा, सी यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।